नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसी शख्सियत का और एक ऐसे शायर का जो उर्दू शेर व अदब के आसमान पे रोशन है। ये नाम है आरज़ू लखनवी का। आज के इस एपिसोड में हम आरज़ू लखनवी की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। आरज़ू लखनवी का असल नाम सैयद अनवर हुसैन था और उनकी पैदाइश 16 फरवरी 1873 में लखनऊ के एक इल्मी और अदबी खानवादे में हुई। उनके अब्बा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे और उनकी वालदा का ताल्लुक भी एक इल्मी घराने से था। उनके वालिद शायर थे और यास तखल्लुस किया करते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी की तरफ रगबत बहुत बचपन से हो गई थी। फिर बहुत जल्द जलाल लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की। आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आरज़ू की विलादत 17 फरवरी 1873 को लखनऊ के मोहल्ला माधुराम की बारादरी में हुई। उनके वालिद का नाम जाकिर हुसैन था, जो शायर थे और यास तखल्लुस था। उनके बड़े भाई यूसुफ भी शायर थे और उनका कयास तखल्लुस था, लेकिन आरज़ू लखनवी ने अलग राह निकाली। शेरी उसलूब उन दोनों से जुदा था। 5 साल की उम्र में लखनऊ के मशहूर व मारूफ उलेमा से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद मीर जामिन अली जलाल लखनवी की शागिर्दी में शेर कहना शुरू किया। घर में शेर व सुखन का चर्चा था, अदबी माहौल था, शेर व सुखन विरसे में मिला था, इसलिए शायरी के माहौल ने उन्हें बचपन से ही अपनी तरफ रागिब किया। जलाल लखनवी से इल्म उरूज़ हासिल करने से उनके शेर व सुखन में पुख्तगी आ गई। जलाल लखनवी के शागिर्द होने की वजह से आरज़ू का शुमार दबिस्तान नासिक में होता है। जलाल लखनवी रश्क के शायर थे और रश्क का शुमार नासिक के खास शागिर्दों में होता है। इस तरह से आरज़ू लखनवी का सिलसिला तलामज़ा दबिस्तान नासिक से मिलता है। आरज़ू लखनवी बचपन से ही क़ादिरुल कलाम शायर थे। कम उम्र में ही एक उस्ताद ने उनको मिसरा तरह दिया और चैलेंज किया कि इस तरह में ज़ुल्फ़ की रियायत के बग़ैर 2 दिन के अंदर एक भी शेर कह दो तो मैं तुम्हें शायर मानूंगा। आरज़ू लखनवी ने मिसरा तरह देखा और 2 दिन तो क्या, थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में ही उन्होंने पूरी एक गज़ल जिसमें 11 अशार थे कहकर उस्ताद को दे दी। रकीब अपने बहुत हैं ये उसकी है ताबीर, रकीब अपने बहुत हैं ये उसकी है ताबीर, के रोज़ आके डराते हैं हमको ख्वाब में साफ। हमारा दर्द जिगर आसमां का तीर शहाब, मुकाबले को चले सांप के जवाब में सांप। इसी तरह एक बार उनके वालिद ने अपनी गज़ल इसलाह के लिए दी तो वालिद ने गज़ल को बड़े भाई यूसुफ को दे दी। इस वक्त तक वालिद को ये नहीं पता था कि आरज़ू लखनवी शायरी करते हैं, क्योंकि आरज़ू लखनवी ने अपनी राह खुद बनाई थी, उसलूब अपना अलग बनाया था, वो किसी के पाबंद नहीं होना चाहते थे। गोरे गोरे चाँद से मुँह पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद आ जाए वो मतवाली आंखें हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को डॉक्टर संकल्प जायसवाल की मखमली आवाज़ में सुनते हैं और महजूज होते हैं। गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद आ जाए वो मतवाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे।
मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है। सूझती है सी ही नहीं जो फूटने वाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। जिसके अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है उसमें क्या। बे जिसके अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है उसमें क्या। जी का है ये बावलापन या भोली भाली बातें हैं, गोरे गोरे चांद से मुंह पर काली काली आंखें हैं, काली काली आंखें हैं, हाँ काली काली आंखें हैं। खिजा का भेज बनाकर बाहर ने मारा, खिजा का भेज बनाकर बाहर ने मारा, मुझे दो रंगिये लैलो नहार ने मारा। नाज़रीन, जब हम आरज़ू लखनवी की शायरी पे बात करते हैं और उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें उनकी शायरी में सादगी और नुदरत नज़र आती है। उनकी शायरी ज़मीन के करीब है, यानी वो जो देखते हैं वही बात कहने के कायल हैं। उनके बारे में आल अहमद सुरूर ने कहा है कि शायर ने शायरी की ज़बान में आम बोलचाल को करीब लाकर शायरी पर एहसान किया है। यानी शायरी की ज़बान और दुनिया की ज़बान एक जैसी है। शायर शायरी में जितनी आसान ज़बान पेश करेगा, लोगों के दिलों तक शायरी आसानी से पहुँचेगी। आइए नाज़रीन, इस बारे में मज़ीद एक्सपर्ट से सुनते हैं। आरज़ू लखनवी ने उर्दू ज़ुबान की आबियारी में जो अहम रोल अदा किया, वो अपने अंदर एक वसत और तनव्वो रखता है। आरज़ू लखनवी का शुमार उन कादिरुल कमाल शुअरा में होता है, उन कादिरुल कलाम शुअरा में होता है जिन्होंने उर्दू की बुनियादी ज़रूरतों का जायज़ा लेकर मुफीद इस्लाह की। उनकी आला सलाहियतों की बुनियाद पर ही जलाल लखनवी के इंतकाल के बाद 1909 में जलाल लखनवी की जानशीनी उनके सुपुर्द की गई। आरज़ू को उर्दू ज़बान उर्दू गज़ल में इनफरादी अहमियत हासिल है। उनकी गज़लों का पहला मजमूआ 1924 में शाया हुआ जिसका नाम फ़ुगाने आरज़ू है। इसमें सादा लबो लहजे की गज़लें हैं लेकिन इसमें कहीं न कहीं फ़ारसी के अल्फाज हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आरज़ू लखनवी का दूसरा शेरी मजमूआ जहाने आरज़ू 1936 में शाया हुआ और तीसरा मजमूए का नाम सुरीली बासरी है जो 1938 में शाया हुआ, जिसमें दावा किया है कि इसमें आरज़ू लखनवी ने ख़ुद दावा किया है कि इसमें हिंदी के अल्फाज हैं, इसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए हैं। इसमें नसर के तौर पर भी दो अफसाने हैं जिसमें खालिस उर्दू शायरी का जिसमें खालिस उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चौथा दीवान निशाने आरज़ू 1943 में मंजरे आम पर आया। आरज़ू लखनवी की शायरी में देहलवी रंग और लखनवी अंदाज का हसीन इम्तिज़ाज देखने को मिलता है। आरज़ू की ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज आए, तलाश मुआश के लिए उन्होंने कई शहरों के सफ़र भी किए। वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। नाज़रीन, इस रोमानवी गज़ल को आइए सुनते हैं जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
कब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे शिकवों की एक बंद किताब, चुप है शिकवों की एक बंद किताब, उससे कहने का ढब नहीं आता, उससे कहने का ढब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, वो सरे दिल को यकीन, भोली बातों पे तेरी दिल को यकीन, पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता, वो सरे बाम कब नहीं आता, कब नहीं आता, कब नहीं आता। किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। नाज़रीन, आरज़ू लखनवी बहुत तेज शेर कहा करते थे। एक दफ़ा एक उस्ताद शायर ने मुश्किल ज़मीन में एक मिसरा तरह उनको दिया और ये कहा कि हज़रत, अगर आप इस पे मिसरा लगा दें तो मैं आपको शायर कबूल कर लूँ। उन्होंने ना कि सिर्फ उस पे मिसरा लगा कर शेर कहा बल्कि 11 शेरों की गज़ल कह कर दी। नाज़रीन, आरज़ू लखनवी ने शायरी की दीगर असनाफ़ पर भी तबाह आज़माई की। उन्होंने नात लिखी, मरसिये लिखे, मसनवी लिखी, इसके अलावा उनकी नसर पर भी दस्तरस थी और मज़ीद उन्होंने फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी और 2 दर्जन से ज़्यादा गाने लिखे। आरज़ू लखनवी ने शायरी में नए तजुर्बात किए, उनके यहाँ मुतनव्व मौजूआत मिलते हैं। आरज़ू की गज़ल में ऐसा अंदाज मौजूद है जिसमें क्लासिकी गज़ल का रस और रचाव और नए माहौल और तकाज़ों का शऊर
दोनों चीज़ें मौजूद हैं और इसका सिलसिला उनके आखिरी ज़माने के कलाम तक पहुँचता है, जिसमें रफ्ता रफ्ता सोज़ो गदाज और असर आफरीन का इजाफा होता रहा। यही वजह है कि अपने मासरीन में आरज़ू लखनवी की शख्सियत और शनाख्त जुदा गाना मालूम होती है। जब गज़ल वारदात कल्बी जज्बात कैफियात से सजी हुई थी और शुआरा के कलाम को रियायत लफ्जी तशबियात व इस्तारात के साथ नुक्ता आफरीनी मुनफरद और मकबूल बनाती थी, उसी दौर में आरज़ू ने अपनी राह अलग बनाई और हम असरों में अपना नाम और मुकाम बनाया। उनकी शायरी के मुताले से वाज़ह होता है कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर एक पाबंदी लगाकर खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान में एक मजमूआ सुरीली बासुरी पेश किया। हालांकि शायरी के आगाज़ से ही उर्दू गज़ल पर फारसी ज़ुबान का गलबा रहा है। तमाम ख़यालात तलमीहात तशबीहात वगैरह फ़ारसी से मुस्तार हैं, लेकिन आरज़ू लखनवी ने हिंदुस्तानी फ़िज़ा में हिंदुस्तानी ज़बान इस्तेमाल करने की कामयाब कोशिश की। सुरीली बासुरी के अलावा फ़ुगाने आरज़ू जहाने आरज़ू निशाने आरज़ू में भी उन्होंने सादा लब व लहजे में अपने जज्बात का इजहार खूबी के साथ किया है। आरज़ू लखनवी के कलाम में नुदरत है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी ज़मीन से मुंसलिक करने की कोशिश की, इसलिए उनकी शायरी में हिंदुस्तानी फ़िज़ा सांस लेती हुई नज़र आती है और हिंदुस्तानी तहजीब की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। आशिक व माशूक की जुदाई का मंज़र बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, आसान काम आपने मुश्किल बना दिया। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। मुश्किल बना दिया।
दिल दे रहा था। उस शान आजजी के फिदा जिसने आरज़ू, उस शान आजजी के फिदा जिसने आरज़ू, हर नाज है गुरूर के, हर नाज है गुरूर के, काबिल बना दिया, हर नाज है गुरूर के, काबिल बना दिया, आसान काम आपने, आसान काम आपने, मुश्किल बना दिया, दिल दे रहा था जो उसे बेदिल बना दिया, बेदिल बना दिया, हाँ बेदिल बना दिया। आज के इस एपिसोड में हमने आरज़ू लखनवी की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। मन की बात है।